तो अपने वक्त की सबसे महंगी पिक्चर रिलीज हुई, नाम था देवदास। शाहरुख, ऐश्वर्या और माधुरी दीक्षित की ये वो कल्ट क्लासिक फिल्म थी जिसके दीवाने लोग आज भी हैं। शाहरुख खान और संजय लीला भंसाली पहली बार साथ काम कर रहे थे। बताया जाता है कि भंसाली ने शाहरुख को स्क्रिप्ट सुनाते समय कह दिया था कि फिल्म तभी बनेगी जब वो हाँ कहेंगे, और शाहरुख माने भी और बनी भी और सुपर हिट भी हुई। अब जिसने ये फिल्म नहीं देखी तो उसने क्या मिस किया है, ये तो उसे फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिन्होंने भी फिल्म देखी है उन्होंने भी क्या क्या मिस किया है वो आज हम बताएंगे। मसलन फिल्म में ऐश्वर्या के साथ रोमांटिक सीन शाहरुख ने नहीं बल्कि सलमान ने किया था। शूटिंग शुरू होते ही प्रोड्यूसर को जेल हो गई, और जब प्रोड्यूसर ही गिरफ्तार हो गया तो ये फिल्म बनी कैसे। फिल्म में ना होने के बावजूद शाहरुख के साथ सलमान भी सेट पर क्यों होते थे। फिल्म की वजह से मुंबई की शादियों में क्या दिक्कत होने लगी, इन सब सवालों का जवाब चलिए हम आपको देते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि फिल्म में सलमान कहाँ थे। संजय लीला भंसाली की पिछली फिल्म हम दिल दे चुके सनम में सलमान खान और ऐश्वर्या राय के बीच में प्यार हुआ था और ये 2 साल तक चला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐश्वर्या ने सलमान से उनके हिंसक व्यवहार और अपने पिता के इस रिश्ते के खिलाफ होने की वजह से दूरी बना ली, लेकिन सलमान मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने करियर से लेकर हालत तक सब इश्क में खराब कर ली थी। वो हमेशा नशे में डूबे रहते थे और जहाँ ऐश्वर्या होती वो हर जगह पहुँच जाते, एक बिल्कुल टिपिकल आशिक की तरह। आप में से कई लोग रिलेट भी कर रहे होंगे। खैर, अनुपमा चोपड़ा की किताब किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान एंड द सेडक्टिव वर्ल्ड ऑफ सिनेमा के मुताबिक सलमान देवदास की शूटिंग के दौरान भी सेट पर होते थे। एक दिन शाहरुख और ऐश्वर्या के बीच एक रोमांटिक सीन शूट होने वाला था। इस सीन में शाहरुख को ऐश्वर्या के पाँव में चुभे एक कांटे को निकालना था। शूटिंग के टाइम सलमान ने कहा कि वो करके दिखाना चाहते हैं कि सीन कैसे शूट होना चाहिए। शाहरुख और भंसाली मान गए। उन्होंने ऐश्वर्या के पाँव से वो कांटा निकाला और भंसाली ने अपना सीन शूट कर लिया। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि इस सीन में शाहरुख की शक्ल नहीं दिखने वाली थी। यानी आपने जो सीन देखा उसमें शाहरुख नहीं बल्कि सलमान थे जो ऐश के पैर से कांटा निकाल रहे थे। इस वक्त असल में सलमान की हालत शाहरुख के निभाए देवदास से कुछ खास अलग नहीं थी। अब आपको बताते हैं कि संजय लीला भंसाली को देवदास बनाने का आइडिया आया कहाँ से, क्योंकि फिल्म से भी ज्यादा दिलचस्प इस फिल्म के बनने का किस्सा है। दोस्तों, संजय लीला भंसाली ने अपने कई इंटरव्यूज में ये बताया है कि उनके पिता से उनकी कभी नहीं बनी। पिता प्रोड्यूसर थे, पिक्चरें नहीं चली तो शराब में डूब गए, नशे में धुत रहने लगे। घर कैसे चल रहा है, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उन्हें किसी बात की कोई परवाह नहीं थी। एक माई थी जो साबुन बेचकर बच्चों को बड़ा कर रही थी। बाद में पिता को लिवर सिरोसिस हो गया और वो कोमा में चले गए, लेकिन कोमा से बाहर आने और मौत के मुंह में जाने से पहले उन्होंने सिर्फ एक काम किया और वो था संजय की माँ लीला की ओर अपना हाथ बढ़ाया। अपनी पत्नी के प्रति वो पहली और आखिरी बार अपने प्यार का इजहार कर रहे थे। लीला उस लम्हे के लिए पता नहीं कितने सालों से इंतजार कर रही थी, लेकिन लीला का हाथ पकड़ते ही वो खुद मौत के आगोश में समा गए। संजय बताते हैं कि उन्हें उन दोनों का बिछड़ना आज तक याद है। संजय इस तरह की किसी कहानी पर एक फिल्म बनाना चाहते थे। उन्होंने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के देवदास पढ़नी शुरू की। उन्होंने वो एलिमेंट मिल गया जो अपनी अगली फिल्म के लिए वो ढूंढ रहे थे। इस फिल्म के आखिर में देवदास पारो के दर पर जाकर ही दम तोड़ती है और धुंधली आंखों से उसे पारो दौड़कर अपनी ओर नजर आती है। फिल्म में संजय ने अपने बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस को इस्तेमाल किया था। एक और पर्सनल किस्सा आपको बताते हैं और फिर बताएंगे जेल और शादी का किस्सा। फिल्म में एक सीन है जहाँ शाहरुख यानी देवदास के पिता की डेथ हो चुकी है। वो देवदास के कम भंसाली के पिता ज्यादा थे, जिससे देवदास यानी कि भंसाली की कभी नहीं बनी। अपने उस पिता के श्राद्ध पर देवदास भरपूर नशे में पहुंचता है और अपनी माँ के बगल बैठकर किसी अनजान आदमी की तरह सहानुभूति देता है। ये सीन दरअसल संजय लीला भंसाली के साथ हुई एक घटना से प्रेरित था। संजय की दादी के श्राद्ध के मौके पर उनके पिता इतने नशे में पहुंचे थे कि वो पहुंचते ही गिरकर बेहोश हो गए। उनके एक दोस्त ने आकर उनकी माँ को ढांढस बंधाया। संजय पर इस घटना का बहुत प्रभाव पड़ा। क्यों दोस्तों, अब जिसने फिल्म देखी है वो इस सीन और संजय लीला भंसाली को रिलेट कर पा रहे हैं ना। फिल्म प्रोड्यूसर, अंडरवर्ल्ड और जेल। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं वो किस्सा जब फिल्म की शूटिंग शुरू होते ही प्रोड्यूसर को जेल हो गई थी। इस फिल्म में मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर भरत शाह पैसा लगा रहे थे। भरत शाह की गिरफ्तारी अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन के मामले में हुई थी। भरत शाह बड़े प्रोड्यूसर थे और एक साथ कई फिल्में प्रोड्यूस करते थे। जब उन्हें मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया तब भी 11 फिल्मों में उनका पैसा लगा हुआ था। इन्हीं में से एक थी सलमान खान, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा स्टारर चोरी चोरी चुपके चुपके। इसमें पैसा भरत का लगा था, लेकिन प्रोड्यूसर के खाने में किसी नजीम रिजवी का नाम लिखा जाता था। नजीम छोटा शकील का खास आदमी था और अब नजीम दर लिया गया था।
नजीम से पुलिस को पता चला कि भरत के प्रोडक्शन में बन रही फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा हुआ है। भरत को मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। तब भरत के प्रोडक्शन में बन रही सबसे बड़ी फिल्म देवदास थी। देवदास की शूटिंग का प्रतिदिन का खर्चा 7 लाख रुपए था। भरत की गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले देवदास की शूटिंग कैंसिल हुई। इस मामले में भंसाली परेशान थे कि उनकी पिक्चर का कहीं डिब्बा बंद ना हो जाए, लेकिन भरत शाह भी अड़े हुए थे। जेल में अपनी बेगुनाही साबित करने के साथ उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि देवदास बननी चाहिए, उसका काम नहीं रुकना चाहिए। रुकता भी कैसे? ये वो भरत शाह थे जिन्होंने देवदास के बजट जितना पैसा देश के मशहूर वकीलों पर खर्च कर दिया था ताकि वो जल्दी से जल्दी बाहर निकल सके, और वो बाहर आए भी और देवदास बनी भी। देवदास अपने टाइम की सबसे महंगी फिल्म थी जिसे बनाने में 50 करोड़ से भी ज्यादा रुपया खर्च आया था। फिल्म की शूटिंग की वजह से मुंबई की शादियां टलने लगी। अब आते हैं आखिरी और शादी वाले किस्से पर दोस्तों। भंसाली अपनी फिल्मों की भव्यता के लिए जाने जाते हैं, और फिर तो ये देवदास थी। इस फिल्म की शूटिंग में 275 दिन, 2500 लाइट, लाइट्स को ऑपरेट करने वाले 700 लाइटमैन, 6 अलग अलग सेट, 42 जनरेटर, 30 लाख वॉट की पावर सप्लाई लगती थी। आमतौर पर फिल्मों की शूटिंग में 2-3 जनरेटर लगते थे, लेकिन इस बार मामला गड़बड़ हो गया था। मुंबई के सारे जनरेटर फिल्म सिटी और फिल्मिस्तान में भंसाली के सेट पर होते थे। हालत इतनी खराब हो गई थी कि मुंबई में शादी करने वाले लोगों को जनरेटर नहीं मिल रहा था और शादियां टल रही थी। भव्यता का आलम यह था कि पारो के घर को बनाने में 1,57,000 रंगीन शीशे के टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया था। मानसून को भांपते हुए शीशों वाला सेट नवंबर से जून तक के लिए बनाया गया था, लेकिन इसी बीच 4 बार बारिश हो गई और सारे शीशे धुंधले पड़ गए। बाद में शूटिंग से पहले एक्सपर्ट के साथ उन शीशों का भी टचअप करना पड़ता था। बताया जाता है कि फिल्म का आधा बजट सेट और माधुरी ऐश्वर्या के कॉस्ट्यूम पर खर्च किया गया था। ये शायद वो पहली फिल्म थी जिसके रिव्यू में किरदारों के कपड़ों पर बात हुई थी। माधुरी का एक एक लहंगा 30-30 किलो का होता था, जिसे पहनने के बाद वो बड़ी मशक्कत से डांस कर पाती थी। लेकिन फिल्म रिलीज हुई और एक झटके में सारी मेहनत वसूल हो गई थी। आपको क्या लगता है, अगर ये फिल्म आज के